सहरसा में गर्जी बंदूक, जदयू नेता का दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या। खबर सहरसा से है, जहां बेखौफ अपराधियों ने दिनदहाड़े जदयू नेता जवाहर की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना बनगांव थाना क्षेत्र के बरियाही की है। मृतक जदयू नेता का नाम जवाहर यादव बताया जाता है, जो सहरसा जिले के कहरा प्रखंड के जदयू प्रखंड अध्यक्ष थे। घटना के संबंध में बताया जाता है कि आज मृतक जदयू नेता बरियाही स्थित एक सैलून में दाढ़ी बनवाने गए थे। इसी दौरान अज्ञात अपराधियों ने उनके सिर के पीछे गोली मारकर फरार हो गए। घटना के बाद आनन-फानन में उन्हें निजी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस बलों के साथ मौके पर पहुंचे सदर SDPO आलोक कुमार ने बताया कि अपराधियों द्वारा दो गोली इन्हें मारी गई है। मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है और छानबीन में जुटी है। सर, एक पेशेंट आया अभी, बुलेट लगा हुआ, क्या स्थिति है और क्या पता चला? नहीं, मरीज के माथा में गोली लगी है। जवाहर यादव हैं, बरियाही के हैं, इनके माथा में गोली लगी है और यहाँ पर जब पहुँचे हैं तो मरे हुए कंडीशन में है। कितने बुलेट लगे हुए पाए गए? हाँ, कितने बुलेट लगने की संभावना है? एक गोली, एक्सरे करवाया तो एक गोली माथा में है, माथा के फ्रंटल बोन में होता है, फ्रंटो पैराइटल एरिया में लगा है, रिवॉल्व करके दाहिना ऑर्बिट के ऊपर में है, गोली ब्रेन के अंदर ही है। कितना एज होगा इनका? 65। एज 65। मौत हुई है, गोली मार के हत्या की गई। क्या पूरा? जवाहर प्रसाद यादव है, इनको जमीन के लेन देन में आपसी विवाद में गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई है। अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। FSL की टीम और DIU की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और अभी आवेदन अप्राप्त है। पुलिस द्वारा कुछ संदिग्धों पर छापेमारी की जा रही है और पुलिस सभी बिंदुओं पर आगे जाँच कर रही है। धन्यवाद।